Hello. Ah, it's you, right? Yes. Okay. नारी है। यार दवा के खाऊंगा पर यार बहुत दिनों के बाद देखे पूरा फ्राई कर रही है। यहाँ कुछ साइड हो चुके हैं। टॉपिंग में पता नहीं कुछ कैसी ना कुछ डाले है लगता है। चॉपस्टिक दिए गए हैं जो कि पिछले वीडियो में देखे होंगे। मुझे चॉपस्टिक से बिल्कुल खाने नहीं। हल्का सा मीठा है यार, जैसे वियतनामीज लोग लगता है मुझे। कहीं बहुत ही डेजर्ट का बात करते हैं यार। नज़ारा देख सकते हो आप लोग, ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो मैं कुनोरे आ जा रहा हूँ, मैं कुने घूम आगो। मैं आज हानोई से जा रहा हूँ साफा, जो यहाँ से कम 3-4 घंटे का रास्ता है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपडेट दूंगा। मैं कल गया था टिकट कराने यार बहुत कन्फ्यूजिंग है यहाँ का एड्रेस जो है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैं थाईलैंड में जितना आसान है ना ये टिकट करना, यहाँ उतना आसान नहीं था यार। क्योंकि थाईलैंड में कैसे, वहाँ पे बहुत सारे बस स्टैंड वगैरह आपको नेट पे मिल जाते हैं। यहाँ पे तो बस स्टैंड का मुझे पता नहीं चला, किसी ने मुझे एड्रेस भेजे थे, मैं उस एड्रेस पे गया। वो बहुत कन्फ्यूजिंग था यार, उसका वीडियो बनाना भूल गया, सॉरी। तो मैं जा रहा हूँ साफा। साफा जो कि एकदम नॉर्दर्न पार्ट में है वियतनाम के, एकदम चाइना बॉर्डर के आसपास। ये कल मैं गया था हानोई मार्केट भी गया था, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पे। और साफा में जाके मैं आपको अपडेट करूंगा वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ शहर देख देख के एकदम परेशान सा हो गया। अब जाते हैं कुछ एडवेंचर करने, जो नेचर लवर है उन लोग के लिए खास एकदम बहुत बढ़िया ब्लॉग रहेगा ये। आप बने रहिए, आप सामने देखते रहिए। फाइनली मैं पहुंच गया अपने बस के पास में। देखिए बस का नजारा, मैंने अपना लगेज यहाँ डाल दिया हूँ देखिए, और मुझे जूते यहीं उतारने पड़ेंगे यार ऊपर चढ़ने के लिए अपने पॉलिथीन बैग में। ओके शू ऑफ। एक और शटल बस आई है, वो देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आए हुए हैं, बुला रहे भाई साहब। ये रहा अपना ड्राइवर का सीट, अपना सीट नंबर है 22, चेक करना पड़ेगा यार 22 है किधर। ये 18 हो गया, 21, 22 आ रही यार, सबसे आखिरी में मिला एकदम ब्लैंकेट स्टोर के बगल में। 22 नंबर सबसे आखिरी वाला सीट, ये रहा सीट मेरा। मैं सो के जा सकता हूँ, सबसे आखिरी में मिला यार। एक तकिया दिया हुआ है, हो सकता है ब्लैंकेट भी दे दे, और कूलर एंड वार्मर यहाँ पे है देखिए इस तरह से है। आगे का सीट मिल जाए तो अच्छा लगेगा यार, लेकिन आगे का सीट मिला नहीं है। अपना बदकिस्मती जब से निकले हैं कहीं ना कहीं होते जा रहा है। चलिए हम ले जाएंगे यार इस तरफ। मैं सोते साफा पहुँच जाऊँगा यार, 3 या 4 घंटे का रास्ता है। ये लगता है मुझे ब्लैंकेट है या क्या है पता नहीं। ये देख सकते हो, पैर खींच सकते हैं और अपन सो के जब भी जा सकते हैं। बढ़िया है यार, कर्टेन दिए हुए हैं। हम तो छोटे हाइट वाले हैं, हम तो पैर खींच सकते हैं यार, देख सकते हो। लेकिन जो गोरे लोग हैं ना, वो लोग लंबे लंबे हैं तो पैर नहीं खींच सकते। देखिए कैसे मुड़ा हुआ है उनका पैर। फाइनली पहुंच गए साफा बस स्टैंड यार, पूरे 6 घंटे बाद। किसी ने मुझे बताए थे 3 या 4 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे पूरे 6 घंटे लगे यार। बहुत ही डेजर्ट का बस स्टैंड है यार, मुझे सुंदर लग रहा है यार। नज़ारा देख सकते हो आप लोग, ये देखिए साफा का बस स्टैंड। वाह क्या गजब यार, एकदम हरियाली। मेरे होम स्टे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं देखता हूँ यार बाइक वगैरह अगर जा रहा है तो, कैब में जाऊँगा तो बहुत पैसे लगेंगे, बाइक देखूंगा। बहुत ही सुंदर साफा बस स्टैंड यार, गजब का माहौल एकदम गजब। वो बस वगैरह देख सकते हैं आप लोग, पार्किंग पे लगा हुआ है, पूरा हरियाली यार। ये ब्लॉक मजा आएगा यार आपको। देखिए गांव की लड़कियां जैसे टूरिस्ट दिखते आ जाता है, इंग्लिश बोलने आ जाता है बोलने के लिए कि मेरे गांव पे चलिए। यहाँ से
6 किलोमीटर 6.8 किलोमीटर है यहाँ से मेरा जो होम स्टे है। मैं कार बुक किया हूँ, अभी यहाँ से देखते हैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे, नहीं रुपए नहीं 1.5 लाख डॉन्ग देने पड़ेंगे आप यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप लोग उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये रहा गाड़ी, इसमें चल जाऊँगा। चलिए बैठ के देखते हैं यार नजारा, देखते हुए आते हैं। ओके, वाओ ब्यूटीफुल सफा, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। देखिए लोग पैकिंग कैसे करते हैं अपनी गाड़ी को। सुंदर भाई, अति सुंदर, एकदम साफ सुथरा देख सकते हो आप लोग। वो देखो वियतनामीस फ्लैग लगे हुए, अपना नेशनल फ्लैग, कॉफी वगैरह सब कुछ है, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ से। जो छोटा सा सापा, एक छोटा सा टाउन है नॉर्थन वियतनाम में, जो चाइना बॉर्डर में, चाइना बॉर्डर के आसपास ही है, बॉर्डर बोल सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए भाई साहब वेलकम गेट, वाओ टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं यार वियतनाम में। खास करके 5 ऐसे जगह है जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। पहले हो गया सापा, मैं ऊपर से नीचे की ओर जाता हूँ, पहले हो गया सापा, फिर दूसरा हो गया आपका हानोई, तीसरा हो गया हालोंग वैली, चौथा हो गया दानांग, पांचवा हो गया हो ची मिन्ह सिटी। तो ये 5ों में से सबसे ऊपर वाले में हूँ मैं अभी। यहाँ से मैं नीचे धीरे धीरे चलते जाऊँगा, देखता हूँ यार 1 महीने में कवर कर पाता हूँ कि नहीं। आज यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे यहाँ का, बाप रे बहुत सही लग रहा है यार। ये देखिए एकदम गजब, ये कुछ इंडियन जैसा नहीं लग रहा आपको? दिल्ली वगैरह में देखे होंगे। यहाँ एक और गेट, ये देखिए क्या सही से किए हुए यार। टूरिस्ट प्लेस है जाहिर सी बात है, ये लोग साफ सफाई में तो ध्यान देंगे यार। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मैंने हानोई में देखा कि उतना लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, यहाँ के लोगों को हर किसी को इंग्लिश आता है यार लगभग। जैसे गांव की एक लेडीज आई थी, वो बात कर रही थी उसके गांव में घूमने के लिए, गाइडिंग वाइडिंग करेंगे, वो भी इंग्लिश में बात कर रही थी, एकदम गजब, बहुत सही तरीके, एक्सेंट एकदम अलग है उसका, जैसे अमेरिकन एक्सेंट टाइप का। गाँव है, गाँव की लड़की, एक बच्चे पीछे में लेकर, झोला वोला लेकर। ये देखिए टूरिस्ट घूमना चालू। यहाँ है ना लोग राइट पे चलते हैं, जो ड्राइवर सीट है वो लेफ्ट पे होता है और जो राइट की ओर से चलते हैं। देखिए अपने को तो कुछ चलाने ही नहीं आएगा यार, अब बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम इस तरह से। खास करके अगर बहुत बड़ा भीड़ भाड़ मिला, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक मिला, तो उसमें तो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए टूरिस्ट अपने बाइक लेकर चल जा रहे हैं। होम स्टे वगैरह आपको होटल्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, कैफे मिलेंगे आपको यहाँ पे, फास्ट फूड वगैरह सब कुछ है, मसाज वसाज सब मिल जाएंगे आपको। खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, परवाह नहीं है, आप खाने के लिए एक से एक जगह खोज सकते हैं। यहाँ पे पूरा लाइन से लगे हैं खाने के लिए, खाने का जो रेस्टोरेंट वगैरह या फिर कैफे, एकदम लाइन लगे हैं, आप कहीं भी खा सकते हैं। इधर का व्यू देखिए, हमारे अरुणाचल में भी ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं यार, पूरे पहाड़ी इलाका है अरुणाचल यार। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकते यार, टूरिज्म इस पर बना सकते हैं उसको भी आराम से, अगर साफ सुथरा में ध्यान दे, अगर सही तरीके से सब कुछ चीज़ें किया जाए तो क्यों ना हमारा अरुणाचल भी एक टूरिज्म स्पॉट बन जाए, कि लोग टूरिस्ट बाहर से देखने आए, कि डेवलप्ड हो जाए, लोगों का आमदनी अच्छा हो। लेकिन यहाँ का लोग देखिए इतना, मैं हानोई से यहाँ बहुत दूर आया, क्योंकि बीच में से आया एकदम ये कोने में, तब भी इतना डेवलप है बताइए भाई। इस तरह से भी गाड़ी मिलेंगे आपको, जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँचा देंगे। माउंटेन व्यू स्टेशन, वाओ हाइडन जेम इन टाउन, देखिए देख रहे हो भाई साहब, हमारे अरुणाचल में भी बना सकते हैं यार इस तरह से, उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और
खुश रहेंगे, टूरिस्ट आएंगे और कल्चर एक्सचेंज होगा, लोगों तक पहुंचेगा कि अरुणाचल भी इंडिया का एक हिस्सा है जो कि टूरिज्म स्पॉट है, बहुत सुंदर है। वैसे तो हमारा अरुणाचल बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा सजावट की ज़रूरत है। सरकार अगर ध्यान दे तो इस चीज़ पे तो मज़ा ही आ जाए यार। हम क्यों इतना दूर दूर घूमते हैं, हम वहीं पे अरुणाचल में घूमते रहते यार, है तो सुंदर ही अरुणाचल। वाओ, वैसा पहाड़ काट के देखिए घर किस तरह बनाए, यही होता है डेवलपमेंट। देखिए पहाड़, देखिए वैसा पहाड़ियों के बीच में से देखिए रास्ता कितना साफ है यार, एकदम गजब। बहुत ये नहीं दिखेंगे अपने इंडिया में, अगर आप रास्ता देखेंगे ना एक लेवल से एक लेवल, हर साल इनका कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक लेवल से एक लेवल करके, जो साइड में अगर गलती से गिर गए तो आदमी को ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर ये देखिए, ये पूरा लेवलिंग पे एकदम बहुत सही से बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कल ही बनाए या परसों बनाए इस रास्ते को। देखिए हमारे इंडिया में रास्ते इतने खराब हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर में और एक लेवल इतना ऊंचा हो जाता है ना रास्ता, साइड वाला एकदम नीचे हो जाता है। यहाँ एकदम बहुत सही तरीके से बनाया हुआ है। एक और सब्सक्राइबर मिल गए भाई, इनको पता चला कि मैं यूट्यूब बनाता हूँ तो इन्होंने भी मार दिए यार सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं, ऐसे घूमते फिरते यार कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा यार सब्सक्राइबर। देखिए कितने मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखा रहा है। इस ब्लॉग है ना एकदम अलग लेवल पे ले जाऊंगा यार, इस ब्लॉग को एकदम ऐसे जगह ले जाऊंगा ना एकदम मज़ा ही आ जाएगा यार हर किसी को देख के। एकदम पहाड़ी जो नेचर लवर है ना उन लोग को बहुत ही पसंद आएगा ये चीज़ को देख कर, इतना ऊंचाई पे ले जाऊंगा। ये देखिए पहाड़ी पे किस तरह एकदम कैसे सीमेंट से ये स्लोपिंग करके उसके बीच बीच में पेड़ लगाए गए यार, ताकि ये ग्रीन ग्रीन और बढ़े। वैसे तो पूरा ग्रीन है लेकिन ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें लगाए देखिए पेड़। यही होता है डेवलपमेंट और सोच लोगों की, जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन और बढ़े। वो देखिए पहाड़ों में घर, पहाड़ियों के बीच में घर। इसमें क्या हो गया यार, कुछ तो भी जल रहा है, पता नहीं किचन से कुछ जल गया लग रहा है। आग लग गया यार, यहाँ आग लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जमा हो गए। मौसम बदलता नजर आ रहा है यार, एक तरफ धूप एक तरफ तो बादल देख सकते हो, पूरे काले काले बादल। मेरा पता नहीं प्लान चौपट तो नहीं करेगा यार कल का। ये देखिए पहाड़ों के बीच में कैसे रास्ता बनाए, कैसे घर बना रहे लोग काट काट के पहाड़ी को। और एक चीज बढ़िया यहाँ पे मुझे लगा, अपने देश का झंडा है ना हर जगह लगाया हुआ है इन लोगों ने, कितना गर्व से यार अपना झंडा लगाते हैं यहाँ। मेरे जो कैब ड्राइवर है ना वो कह रहे हैं कि मेरा होम स्टे यही कहीं पे है। देखिए मेरे होम स्टे यही कहीं पे है, यही कहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा यार, वो बहुत ऊंचाई पे होगा, मैंने जहाँ तक फोटो देखा था रास्ते का। झरने देखिए भाई साहब, झरने। ओ एंट्री करते हैं अपने होम स्टे की ओर। पूरा ढलान है यार, पूरा ढलान है, देख रहे हो। ये साइड से ड्रेन सिस्टम बढ़िया लगा यार, जो पानी जाने का ड्रेन सिस्टम है ना इनका बहुत सही है, जो इससे क्या होगा कि आपका जो रास्ता है ना वो कटते नहीं जाएगा। फाइनली पहुंच गए अपने होम स्टे पे, आप देख सकते हो भाई साहब ये है होम स्टे अपना, जो कि सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है यहीं पे। और ये रहे मेरे बैग, मैं ड्राइवर को पैसे दे देता हूँ 1.5 लाख डॉंग, ठीक है 1.5 लाख डॉंग दिए, ये देखिए। ओके थैंक यू। चलिए भाई साहब होम स्टे तो पहुँच गए, आप देखते हैं यहाँ जाके, ये अपना बैग लेकर आ गए। ये रही मलकिन लगता है जो, क्या हेलो, इट्स यू राइट, ओके ओके। भाई साहब जैसे होम स्टे का मालकिन है ना वो पर्क बना रही है। आज खाऊंगा यार, दवा के खाऊंगा पर्क यार, बहुत दिनों के बाद देखे, पूरा फ्राई कर रही है यार, कुछ फ्राइड हो चुके हैं। थैंक यू। नीचे की ओर जाने पड़ेंगे भाई साहब, मेरा जो रूम है ना इसके नीचे है, देखते हैं भाई साहब, बढ़िया लग रहा है एकदम गजब यार। अपने उधर भी ऐसे बना लगता है, ये देखिए मेरा रूम यार, बाहर से सीमेंट से किए हुए है यार, ये देखिए पूरा पहाड़,
ये देखिए ओके ओके, जूते बाहर उतारने पड़ेंगे मुझे, चप्पल नहीं है कोई बात नहीं है। ये रहा मेरा रूम, वाओ यार वाओ गजब। आओ यहाँ मिरर है यहाँ पे, यह बाथरूम है यार, और यहाँ से मैं नजारा देख सकता हूँ पूरा सफा का। देखिए भाई साहब ओके, सिर्फ दिमाग और मेहनत लगता है यार ऐसे पहाड़ चट्टानों में। यार देखिए ये लकड़ी के कूट से बना हुआ दरवाजा है यार, ये सीमेंट से है, अंदर में पूरा लकड़ी का बना हुआ है यार। देखिए ये पूरा सीमेंट का है मेरे रूम का, मैं अंदर का हिस्सा भी दिखाऊंगा आपको बाद में। चलिए, और चाबी में ही वाईफाई का पासवर्ड दिया हुआ है, अगर किसी को सफा आना होगा तो मैं इनका नंबर डाल सकता हूँ आपने इसमें, या कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज़। ये बाहर का नज़ारा, वो रहा मेरा रूम। यहाँ इनके पास अपना मेन्यू भी है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। मैंने एक लिया कोक, जो कि जो कोक है ना मेरा पड़ा 15,000 डोंग का, आप हिसाब लगा लीजिए 305 डोंग है 1 रुपये का। तो उनका मेन्यू इधर है, यहाँ बैठ के आप मज़ा ले सकते हैं, खा सकते हैं यार। ये देखिए उनका मेन्यू, ये देखिए मेरा जो पोर्क ऑर्डर किया था मैंने वो आ चुका है, जो बिल्कुल ही एकदम पोटैटो फ्राई करके, जैसे फ्रेंच फ्राई होता है ना अपना, उसी तरह से इसको साथ में बनाया है। फिर मैंने वाइट राइस ऑर्डर किया, उसमें कुछ टॉपिंग में पता नहीं कुछ कैश्यू नट कुछ डाले लगता है, चॉपस्टिक दिए गए हैं, जो कि पिछले वीडियो में देखे होंगे, मुझे चॉपस्टिक से बिल्कुल खाने नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या क्या मैंने ये मंगाया, इसी से खाऊंगा। देखते हैं यार कैसा है इसका टेस्ट। हल्का सा मीठा है यार, जैसे वियतनामीस लोग लगता है मुझे, कहीं ना कहीं मीठा खाते हैं यार ये लोग। कुछ सोया सॉस या कुछ डाले है, ब्लैक पेपर भी डाला है, जो कि मस्त है यार एकदम स्पाइसी, जैसे अपने इंडिया के लोग खाते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तो ये जो है उसमें मिला है तो बढ़िया अच्छा लग रहा है।